एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैम विद स्नेहा। में तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ऐसा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं सोची कि चलो मैं इस वक्त से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। इस वक्त से मतलब कि शाम का बज रहा है 7:30 और आप जैसा कि देख रहे हो विंडो में अंधेरा है, तो आप सोच रहे हो कि 7:30 सुबह का भी तो बज सकता है ना, तो इसलिए तो शाम का 7:30 बज रहा है और सोचा कि चलो मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं दूसरी वीडियो बनाने लगी थी इंस्टा का, तो इसलिए लेट हो गया मुझे नाश्ता बनाने में, वरना हम लोग कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर बनाते हैं शाम में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना का नमकीन। ये है साबूदाना जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी देखो बहुत अच्छे से फूल चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा फैन के पास रखूँगी क्योंकि थोड़ी सी गीली टाइप में हो गई है, इसलिए आप ये देखो बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है, खुल चुका है। तो तब तक से मैं इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है जो मैं रेडी कर लेती हूँ, जैसे प्याज और बादाम मैं डालती हूँ, तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर जो लोग नहीं बनाए तो प्लीज़ बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और नाश्ते में तो माय गॉड बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये रहा प्याज, तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी फटाफट काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए बादाम, इसमें बादाम भी डाला जाता है, बट बादाम उतना नहीं है, थोड़ा सा है, बट कोई नहीं, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा और बादाम रहता ना तो अच्छा लगता है। एंड ये देखिए प्याज मैंने इतना लिया है, एंड दो मैंने हरी इलायची लिए, नहीं मैंने तीन हरी इलायची है, बट देखती हूँ सूखी लाल मिर्च भी मैं डाल सकती हूँ क्योंकि वो भी डालने से अच्छा लगता है। इसलिए यह है कढ़ाई, तो वो गर्म हो रहा है तब तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्याज को डाल दी हूँ, तो प्याज फ्राई हो रहा है और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली हुई है, सूखी लाल मिर्च, और मैं यहाँ पे तुरंत डालूंगी बादाम, बिकॉज बादाम जल्दी नहीं पकता है, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ ही फ्राई करूँगी ताकि वो अच्छे मतलब पक जाए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बादाम पहले भी आप फ्राई करके रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे किया नहीं, बट हमेशा कर सकती थी, इस बार नहीं किया था ना, मैं रील्स देखने लगी मैं भूल गई और बस इसको फ्राई होने देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए मेरा प्याज फ्राई हो चुका है और मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से ना चला रही हूँ, दिन में यहाँ पे डाल रही हूँ हल्का सा हल्दी, हल्का नहीं डालूंगी, थोड़ा सा अच्छे से डालूंगी, ज़्यादा डालूंगी, और मैं यहाँ पे हल्का सा अभी नमक डालती हूँ, उसके बाद साबूदाना को डालने के बाद में डालूंगी। ये देखिए कैमरे की वजह से आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये मैं साबूदाना डाल के उसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने डाल दिया है साबूदाना को और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इसको कम आंच में फ्राई करने देते हैं, तो इसको धीमी आंच से पहले फ्राई करने देते हैं 10 मिनट, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। गाइस ये देखिए मेरा हो चुका है एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे लग रहा है, चलिए मैं इसको निकालती हूँ एंड बहन को जाके खिलाती हूँ। सो फ्रेंड मैंने बना लिया है, ये देखिए, तो अब मैं जा रही हूँ बहन को खिलाती हूँ और कहाँ है देखती हूँ। तो ये रही मेरी बहन, क्या हो रहा है लाइक टू, अच्छा बहुत खुश हो गया एक खाना, बाबू खिला रही है, क्या करिए बेटा, ये देखिए बाबू को क्या हो रहा है बेटा, एंड ये देखो मैंने बना के लाया है साबूदाना। तो अभी मैंने बहन का जस्ट मैंने मेकअप लुक किया है, तो मैं आप लोग अगर मैं उसको सुना नहीं देना तो मैं कब वीडियो पोस्ट करती हूँ, अब वो देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई,
देख के बहुत इसको देख के खाने के लिए आने लगी। और इसका देखिए मेकअप अभी तक छोड़ा, मेकअप को रिमूव नहीं किए लड़की, तो देखिए सारा चीज। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छे से इसको संभाल लूँ, उसके बाद आप लोग देखो। फ्रेंड मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, रोज रोज मेरी बहन बनाती है। तो आज मैं सोची कि चलो आज मैं मतलब खाना भी जो है वो भी मैं बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंडा। तो बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंडा है, 6 था बट अब बाबू का था मैंने दिया है। तो पापा आएंगे रात में और भाई जो है वो भी गया हुआ है दुकान, और भाई अंडा नहीं खाता है तो वो अपने लिए चिकन चिल्ली लाने के लिए गया हुआ है। तो इसमें सिर्फ मैं और मेरी बहन और मेरे पापा खाएंगे। तो मैं तो अंडा वैसे खाती नहीं हूँ, सिर्फ एक खाऊंगी, वो भी पता है क्या कौन क्या खाऊंगी, बस ये अंडा का ये पीला वाला बस वही भी खाती हूँ। तो आज मैं अंडा नहीं बना रही हूँ। तो ये देखो बाबू को मेरी बहन ली हुई है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि आज वीडियो बनाने के चक्कर में सारा घर ये देखो मैसी हो चुका है, ये देख रहे हो ना। तो बस वो इधर का साफ करेगी, तब तक मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। पता नहीं ऐसा होता है ना कि मतलब आप वीडियो बनाने जाओ ना तो मतलब पूरा घर ही मैसी हो जाता है। मतलब आप सोच रहे कि ये नहीं करते मैसी नहीं करते, बट पता नहीं आप होते जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। तो चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ, वैसे भी रात का 8:30 बज चुका है गाइस। छोटू कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ भागी? ये देखिए फ्रेंड कैसे चल रही है फटाफट। कहाँ जा रही है बेटा, छत पे? ये कहाँ जा रही है बेटा? तो यहाँ मेरी बहन मसाला पीसने गई है, तो उसी के पीछे पीछे गई है, क्योंकि सिलोट का मसाला का टेस्ट तो आप लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मिक्सी में मैं नहीं पीसी। और ये देखो जाके वहाँ पे बैठ जाएगी। बेटा आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो चलो। देखो कैसे रोने लगी है, देखो लोगों ने देखा ना ऐसे ही करती है ये। ये देखो आ जाओ बेटा, कैसे पीसेगी मासी, कैसे पीसेगी बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या लेगी बेटा? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लेमा विद स्नेहा में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम दोनों बहन मिलकर कॉफ़ी पी रहे हैं। भाई चला गया है कोचिंग, पापा अपने ड्यूटी पर हैं। तो सोचा कि चलो मैं अभी से ब्लॉग छोटा सा क्लिप यहाँ का ले लूं, कि बस हम लोग उठ के सुबह सुबह हम लोग बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं बाबू क्या कर रही है। सो ये देखिए फ्रेंड, वहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे कुत्ता है सोया हुआ है, और ये बाबू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है देखिए इसको। क्या करिए बेटा, डॉगी है, डॉगी है छिटू, बिल्ली बाप ली, अभी बाप ली। अच्छा तो डॉगी कैसे बोलता है, इधर दिखा दो, भो भो करता है। अब बिल्ली कैसे बोलती है? हाँ माँ बोलती है। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, अरे बाप रे, इधर देखो गुस्सा कर दो तो गुस्सा, हाँ ऐसे गुस्सा किया जाता है। टंग दिखा दो, टंग दिखा दो टंग दिखा दो। अच्छा तो नमस्ते कर दो बेटा, अरे देखो नमस्ते कर दिया, देखिए अच्छा लो ताली बजा दो, क्लैप क्लैप, जय कर दो, जय जय, अरे वाह वाह। अच्छा टू फ्लाइंग किस कर दो सबको, फ्लाइंग किस, हाँ वाह, और हाई फाई कर लो, हाई फाई नहीं उसा से उसा से, हाई फाई, अरे वाह। इतना कुछ मेरा छोटू सीख गया है, और इसको मैं छोटू प्यार से बोलती हूँ, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, आप तो मेरे डेली ब्लॉग्स जो देखते होंगे। तो हाँ बेटा इधर देखिए, अच्छा तो मम्मा बोलो, मम्मा बेटा, मम्मा उधर नहीं, चिकली है, चिकली से थोड़ी सी डरती थी बेटा, वो डरती भी नहीं है, डर खत्म हो गया, इतना हम लोग डरा दिया छोटू, मम्मा। हेलो फ्रेंड,
तो मैं यहाँ पे ना हवा से फ्रेश हो चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों ने सुबह में देखा। उसके बाद हम लोग काम करने लगे थे, सोचा कि उसका भी मैं दिखाऊंगी तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सोचा कि छोड़ो मैं फ्रेश होकर सीधे उसके बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। और ब्लॉग तो मैं यही पेंट करती हूँ, और ये रेड रेड तो देख लो ना, मैंने अभी चुकंदर खाया इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी मैंने देखा, ये देखा रेड रेड चुकंदर मैंने खाया है, और ये देखिए बाबू के यहाँ पर। तो बाबू और हम दोनों कोई फ्रेश हो गए ना, हवा के दिखा दो तो बेटा, इधर दिखा दो तो। मम्मा और बेटा दोनों फ्रेश हो गए नहा के, और बहन जो है वो काम कर रही है अभी। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, एक ओ माय गॉड 2 बजने वाला है, तो 1:41 हो चुका है और मैं अभी आई हूँ नहा के। और पता है क्यों लेट हो जाता है, लेट मैं जानती हूँ क्यों लेट होता है, सुबह में हम लोग बहुत ज्यादा लेट से उठते हैं ना, इसलिए लेट हो जाता है। और बेटा इधर आना, सबको हेलो बोल दो, इधर आ जाओ, अच्छा छोटू ये देखो गंदी थी, ठीक 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 ठीक, अच्छा छोटू बोल दो पापा मम्मा मम्मा। ये ना पता नहीं मम्मा बोलने पे ना पापा ही बोलते हैं, और अभी ये खेलने में मस्त, मैं खेलने में बिजी है इसलिए अभी बात नहीं करेगी। सो बस ये मतलब कल शाम में ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो आज मैं कंटिन्यू रखूँगी तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं लंबा ब्लॉग नहीं चाहती हूँ बनाना। और आप लोग सिटी का आवाज़ सुन रहे होंगे ना, तो बाबू का मैं दलिया बना रही हूँ, तो उसको बस मैं खिला के उसका सुला दूँगी, क्योंकि उसको भी मैंने नहा दिया। एंड ये देखो सारा सामान गिराते रहती है ये लड़की, बेटा ये नहीं गंदी जी छी जी छी। तो पता है तो गाइज आप लोग मुझे बताते नहीं हो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग भी मुझे कमेंट करो कि आप लोग और किस टाइप की वीडियो देखनी है, चैलेंज वीडियो देखनी है, क्या वीडियो देखनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और मैं अभी ससुराल भी नहीं जाऊँगी, अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाला है कल या परसों से आई थिंक, तो इसी कारण तो फिर नवरात्र ख़त्म हो जाएगा तो जाऊँगी शायद, देखती हूँ बीच में जाती हूँ कि नहीं। बट मेरी नानी बोल रही है, मेरी मम्मी भी बोल रही है कि नवरात्र में लड़की नहीं जाती है ससुर मायके से, तो देखते हैं। और जैसा होगा तो आप तो देखेंगी बताऊँगी ही। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यही पिन करती हूँ गाइज, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बस एक छोटा सा रैंडम सा ब्लॉग मेरा। अगर आई होप आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सपोर्ट कर पाए, देख सके मेरी वीडियो। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मेरे बाबू यहाँ पर देख रही है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कर रही है, तो ये मुझे देख रही थी एकदम फटाफट कि क्या कर रही है मम्मा, ऐसे क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी 1 सिटी और लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।